नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत के लिए स्टॉक मार्केट से बुरी खबर आ रही है, वहीं ओवरऑल इकोनॉमी में भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है जो भारत को बुरे समय पर बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, अब ये है कि अभी जैसे कि स्टॉक मार्केट अभी क्रैश कर रहा है, करेक्शन हो रहा है, बेसिकली 2% 1% ऐसे मार्केट अभी गिरा है पिछले कुछ सेशन में, कुछ दिनों में। और अब जैसे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं 8 तारीख को, और उससे पहले जैसे कि आज एग्जिट पोल आ रहे हैं। अब एग्जिट पोल में साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा में, ये जाने वाली है और कांग्रेस की एक मजबूत सरकार आएगी। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को सीटें तो ठीक मिल रही हैं, लेकिन सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही भारतीय जनता पार्टी। सरकार जो बनती हुई दिख रही है एग्जिट पोल में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनती हुई दिख रही है। तो इसका भी कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट होगा मार्केट में, और मार्केट नीचे जाने की संभावना है, हो सकता है कि मार्केट और ज़्यादा गिर जाए। तो दोस्तों, ये जो गिरने वाला इतना समय है, इसमें कहीं कुछ भारत के लिए अच्छा दिख रहा है तो वो आ रहा है गुड न्यूज़ फॉरेन रिजर्व की तरफ से। भारत का जो फॉरेन रिजर्व है ये $700 बिलियन को पार हो गया है, और ये $704 बिलियन पर पहुंच गया है। अगर इस साल की बात करें तो अभी तक सितंबर के महीने तक $87 बिलियन भारत की करेंसी में ऐड हो चुका है, भारत के रिज़र्व में ऐड हो चुका है। वहीं अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल ये जो रिज़र्व था $62 बिलियन बढ़ा था, तो अभी तक हम लोगों ने $87 बिलियन को क्रॉस करा दिया है। ये हो सकता है कि पूरा ईयर ख़त्म होते होते ये $100 बिलियन को क्रॉस हो जाए। ये तो दोस्तों भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। वहीं अगर बात करें पिछले एक हफ्ते में तो करीब $12.5 बिलियन के आसपास रिज़र्व और जुड़ा है भारत के खजाने में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है, वहीं JP Morgan की रिपोर्ट भी एक आ चुकी है जिसमें ये बोला है उन्होंने कि 35% चांस है कि रिसेशन 2024 में आ जाए। वहीं 2025 तक की अगर वो बात कर रहे हैं कि 45% हो सकता है कि रिसेशन आ जाए, मतलब रिसेशन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब दोस्तों, अगर भारत के पास ये $700 बिलियन है तो ये भारत को उस बुरे वक्त में से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। ये जो पैसा अभी इकट्ठा हो जाएगा, ये भारत में उस वक्त बहुत ज़्यादा काम आ रहा होगा जब मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रही होगी, लोगों के पैसे जल रहे होंगे, बिल्कुल एक तरह से मान लीजिए कि नुकसान हो रहा होगा, वहाँ पर ये भारत सरकार सपोर्ट कर सकती है किसी स्कीम को ला करके, किसी सेक्टर को बचा करके। दोस्तों, अब आपको ये बता दें कि ये जो फॉरेन करेंसी रिज़र्व है ये हमारा $700 बिलियन को क्रॉस हो चुका है। ये ओवरऑल जो फॉरेन रिज़र्व है $700 बिलियन को क्रॉस हो चुका है, ये आज तक दुनिया में 4 देश ही कर पाए हैं। अब ये समझ लीजिए कि हम भी उन देशों में शामिल हो गए हैं। ये बहुत ही कम ऐसा केस है जो ये चीज़ें होती हैं। किसी भी देश के लिए ये रिज़र्व $700 बिलियन का होना एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये भारत के केस में ये चीज़ हो चुकी है, इससे हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हमने इतने पैसे अपने पास इकट्ठे कर लिए हैं, फॉरेन रिज़र्व कर लिए हैं। ये अब बस एक तरफ से ये देखना है कि हमारा मार्केट, स्टॉक मार्केट अब और कितना नीचे जाता है। दोस्तों, हम तो उम्मीद अब ये करेंगे कि मार्केट हमारा नीचे ना जाए, क्योंकि हमारी इकॉनमी ओवरऑल कहीं बुरी नहीं है, हमारी इकॉनमी में सब कुछ अच्छा है, कुछ भी ऐसे नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ बाहरी लोगों को भी पैसे लगे होते हैं, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और इंटरनेशनल जो चीज़ें हो रही होती हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो इस वक्त नेगेटिव न्यूज काफ़ी ज़्यादा चल रही है युद्ध को लेकर के, जो इसराइल और ईरान का युद्ध है, अब स्टार्ट हो जाएगा या नहीं होगा ये अब डिपेंड करेगा
कि इसराइल अगला एक्शन क्या लेता है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो रसिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, उसमें कुछ अभी पॉजिटिव हुआ नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बाज़ार इसको पसंद नहीं करता है, तो स्टॉक मार्केट इसको अच्छे से नहीं लेती है, तो इससे नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारा जो भी नुकसान होगा, जो रिसेशन आएगा उस वक्त, ये हमारी करेंसी, ये हमारा जो रिज़र्व बहुत काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, पैसे होते ही इसलिए हैं कि वो उसको बुरे समय में यूज किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।